केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर स्थित कंपू मांडेरे वाली माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से मुंबई के लिए एक और हवाई सेवा शुरू होने को लेकर कहा कि आक्सा एयरलाइंस एक नई फ्लाइट एक अच्छी सौगात है जो ग्वालियर को मिलने जा रही है। वर्तमान में हफ्ते में एक बार ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट प्रचलित की जाती है, उसी में एक और कड़ी 27 फरवरी को जोड़ी जा रही है, जहां ग्वालियर से मुंबई के लिए फ्लाइट हफ्ते में एक बार रहेगी। इसके साथ ही पत्रकारों के रोजगार पर सवाल भी सिंधिया ने उठाया। हाँ, वो आकाशा एयर की एक नई फ्लाइट एक अच्छी सौगात ग्वालियर के लिए और मिलने जा रही है, जो वर्तमान में हफ्ते में एक बार ग्वालियर से अहमदाबाद की फ्लाइट आकाशा के द्वारा परिलक्षित की जाती है, उसी में एक और कड़ी 27 तारीख को जोड़ी जा रही है, जहां ग्वालियर से मुंबई के लिए फ्लाइट भी आकाशा का हफ्ते में एक बार परिलक्षित की जाएगी। मुंबई की कनेक्टिविटी इंडिगो की रोज की है, आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है, अहमदाबाद की कनेक्टिविटी आकाशा एयर की हफ्ते में एक बार की है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी बंगलुरु की डायरेक्ट है ग्वालियर के लिए, दिल्ली के लिए डायरेक्ट है, अयोध्या के लिए वाया दिल्ली है, इंडिगो की कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए डायरेक्ट है, अलायंस एयर की कनेक्टिविटी इंदौर के लिए है, हैदराबाद की कनेक्टिविटी है। पूर्ण रूप से ग्वालियर को चारों दिशाओं में कनेक्ट करने का एक विचारधारा, जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देश के कोने कोने के साथ हर एक शहर को जुड़ाने की विचारधारा, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार के लिए क्या नया होने वाला है? रोजगार के लिए भी अवसर, एक बार जब अधोसंरचना बन जाएगी उसके बाद रोजगार के अवसर भी और उद्योग भी ग्वालियर के प्रति आकर्षित होंगे।